क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ जो है अजय जी हैं, ये बहुत ही डिसेंट लुक लड़का है, और मैं भी मेरी अभी शादी होके आई है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। मूवी बहुत ही यूनिक है, और जब मूवी आएगी तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ कि कुछ मूवी है। मैं इसमें हीरोइन हूँ, जो जिससे मैं अजय की वाइफ बनी हुई हूँ, दया है ना इनका, दया किरदार है, और मेरा नाम ही का परेशान तो मैं इनको वैसे भी बहुत करती हूँ। हाँ वो फ़ोन दोनों डायरेक्टर सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी वजह से ही आज मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो डायरेक्टर सर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डायरेक्टर सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज मैं अगर ये फिल्म कर रहा हूं तो उन्हीं की देन है, और उन्होंने मुझे बोला था कि अजय तू परेशान मत हो, मैं तुझे ज़रूर लॉन्च करूंगा, और आज वो टाइम आ गया है 2021 में, नया साल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो नो डाउट हो, और वो मुझे बहुत अपना छोटा भाई मानते हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ कि जो धीरेंद्र सर के डायरेक्शन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा। और मुझे मतलब क्या होता है ना सर, कि जब हम लोग कुछ इधर उधर होता है ना तो प्रॉपर हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा करो, और नो डाउट बहुत बेहतरीन चीज़ें चल रही है, बहुत अच्छी से शूटिंग चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ उनका, जिन्होंने मुझे, धीरेन्द्र सिंह बाबा जी ने मुझे इस फिल्म में मौका दिया काम करने का, हीरो में लॉन्च कर रहे हैं जी। हम लोग मुंबई में थे तो हम लोग को एक्चुअली जो अपने यहाँ पे अगर देखे तो खरवास बोला जाला अपने यहाँ, तो खरवास में हमने के कोनो नया काम ना कर सकल जाला, तो हम लोग ने हमने के सबसे पहले हमने के सोचने जा कि हमने के खरवास से पहले मुहूर्त का दिया जा, तो मुहूर्त कैला के बाद से हमने के शूटिंग कर सकल जाला, तो इसीलिए हम लोग ने मुहूर्त वहाँ पर किया, दो सीन हमने दो दिन वहाँ पर शूट भी किए हैं, तो उसके बाद से हमने कुशीनगर में आया, 4 तारीख से शूटिंग चल रहा है, आज हमारा 8वां दिन है शूटिंग का, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, तो इसी हम लोग ने प्लान ऐसे किया था कि हम लोग वहाँ मुहूर्त करें और यहाँ पे शूटिंग करें, सिर्फ और सिर्फ खरवास की वजह से। नो डाउट मानवी जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, और हालांकि इनकी भोजपुरी का जो वर्डिंग है प्रॉपर, अभी देखिए हम लोग गोरखपुर की और छपरा का जो भोजपुरी होता है वो एक अलग ही होता है, तो थोड़ा सा चीज़ें होती है, लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं और खूबसूरत तो आप देख ही रही हैं कि खूबसूरत तो है ही हैं, तो नो डाउट हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए एटलीस्ट हम लोग दोनों लोग एक अपने दोस्त की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छे से हो रहा है सर जी। मैंने हिंदी मूवीज़ की है, वेब सीरीज की है, भोजपुरी भी कर रही हूँ, कर लूँगी। मैंने अभी सत्यमेव जयते 2 जो आ रही है उस पर वर्क किया है, अभी रिलीज होगी जुलाई में, और 14 फेरे आ रही है विक्रांत मैसी की, मैं वो मूवी करके आ रही हूँ। अभी मेरी अवध सीरीज चल रही है लखनऊ में, अभी उसका डिले हुआ है 5-6 दिन का, इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो आप लोगों का प्यार रहा तो आगे भी भोजपुरी करूँगी। ऑडियंस से यही कहूँगी कि मेरी जैसे भोजपुरी मूवी है तो आप लोग देखिएगा, मेरे को मतलब जो भी है अच्छा बुरा जो भी होगा, मेरे को मतलब मूवी को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प। थैंक यू। मैं तो सभी दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म है और दुल्हनी आइल बलिया में, तो कॉन्सेप्ट से पता लगता है कि कितनी अच्छा थीम होगा, तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और कॉमेडी रोमांस बहुत फैमिलियर मूवी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अगर अपनी बहन अपने माँ बाप के साथ ये फिल्म देख सकता हूँ तो आप भी ज़रूर देख सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोग ज़रूर अपने फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे, और स्पेशली कुशीनगर के लिए मैं बात करूँगा कि ये फिल्म पूरी कुशीनगर में शूट हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि कुशीनगर मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करेगा।